रेडमी 9 पावर और पोको M3 एक ही सेट होते हैं ये, और इसमें ये ओनली बाई वेट दे रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन में आया हुआ सेट है। कस्टमर बोल रहा है कि पहले भी मैंने किसी को दिखाया था, वो बोल रहा है भी हुआ नहीं है, होगा नहीं ये सेट ऑन, वाइब्रेट दे रहा है पर ऑन नहीं हो रहा। इसको देखते हैं क्या कुछ किया है उस दुकानदार ने, फिर हम रिपेयर करके देखेंगे। इसके कैमरे वगैरह सब कुछ रिमूव कर देते हैं। इसकी ये पावर आईसी मैंने रिवॉल्व करके देखी थी, पर फिर भी वही की वही प्रॉब्लम थी। ये सारी मैंने रिवॉल्व करी थी और इसको सारे को चेक किया था मीटर से, सारा कुछ ओके है। ये सारे कंपोनेंट वगैरह सब कुछ में ओके रीडिंग आ रही है, फिर भी ये वाइब्रेट दे रहा है। इसकी ग्राफिक में प्रॉब्लम होती है, ग्राफिक वाला ये सब कुछ चेक कर लिया पार्ट, वो भी ओके था। और मैंने इसमें एक डाइट लगी होती है छोटी सी, और उसको भी चेक किया, ये वाली ये भी ओके है, कहीं से कोई शॉर्टिंग नहीं थी इसमें भी। और इसके EDL पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, कई बार पावर होते ही वाइब्रेट देते ही EDL मोड में चला जाता है फोन, वो EDL मोड भी हमने सब कुछ चेक कर लिया पार्ट इसका, वो भी ओके था। और इसकी ये कॉयल है ना, जो कॉयल ये वाली जूम करके दिखाते हैं आपको, ये वाली कॉयल इसकी शॉर्ट है। इसको मीटर से चेक किया मैंने, ये कॉयल मीटर से चेक करते हैं तो ये बीप बीप नहीं दे रही, ये कॉयल शॉर्ट थी। इसको हम नहीं लगा के देखते हैं कि डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही। इस कॉयल को हम रिमूव करेंगे और नहीं लगाएंगे। ये कॉयल भी ग्राफिक आईसी ग्राफिक आते हैं, इस कॉयल से भी ये कॉयल शॉर्ट हो जाए तो ग्राफ नहीं आएगा, डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं होएगा, ना ही लाइट आएगी ना ही ग्राफ आएगा। ये हमने कॉयल लगा दी है और चेक करके देखते हैं इसको। देखो ये कॉयल है जो शॉर्ट है, बिल्कुल भी कोई बीप नहीं आ रही, ये शॉर्ट है कॉयल। अब इसको ऑन करके देखते हैं अभी डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही। मेरे हिसाब से डिस्प्ले ओके होना चाहिए, ये देखो डिस्प्ले आ गई, मतलब वो कॉयल ही ख़राब थी हमारी।